ज्येष्ठ माह के दूसरे मंगलवार को भगवान भास्कर भी हनुमंत भक्तों पर दयावान रहे। श्रद्धालुओं ने सुहाने मौसम में मंदिर पहुंचकर प्रसाद चढ़ाया और रामदूत से संकटों के निवारण की प्रार्थना की। भक्तिमय वातावरण में शहर के जेल रोड स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर, मालगोदाम स्थित चांदी वाले हनुमान जी बालाजी, सिटी पावर हाउस स्थित श्री सिद्धि चमत्कारी हनुमान एवं रोडवेज बस स्टेशन स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पूजन दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ा। मंदिरों के अलावा घरों में भी सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। इस मौके पर मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाने के साथ महावीर का मनमोहक श्रृंगार किया गया। अंजनी लाल की भक्ति से ओतप्रोत भजनों के गायन के साथ श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर के अलावा मुख्य चौराहों व जगहों पर स्टॉल सजाकर पूरी सब्जी, छोला चावल, बूंदी, शरबत, हलवा का प्रसाद वितरण कर पुण्य कमाया। शहर के क्षेत्र में बड़ा हनुमान मंदिर, लालबाग के छोटे हनुमान मंदिर, आबकारी विभाग के कार्यालय पर भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। बीसीएम रोड नई बाजार में अभिषेक अवस्थी लकी द्वारा प्रसाद बांटा गया। इस मौके पर पुजारी नंदू, रानू, रजत, शफील खां सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। नैमिषारण्य संवाददाता के अनुसार मंगलवार के पावन शुभ अवसर पर पूरा नैमिष धाम मानो राम भक्त हनुमान की भक्ति में डूबा नजर आ रहा था। पावन अवसर के उपलक्ष्य में महंत बजरंग दास द्वारा दक्षिणेश्वर हनुमान का मनमोहक श्रृंगार कराया गया। सुबह दक्षिणेश्वर हनुमान जी की विशेष पूजा अनुष्ठान के बाद पूरे दिन मंदिर में भक्तों द्वारा दर्शन पूजन का क्रम, भंडारे का आयोजन चलता रहा। काली पीठाधीश गोपाल शास्त्री पुजारी भास्कर शास्त्री द्वारा काली पीठ प्रांगण में वरदानी हनुमान का श्रृंगार देखते ही बन रहा था। भक्तों को शरबत प्रसाद वितरित किया गया। नैमिष तीर्थ अंतर्गत अयोध्या धाम में भी हनुमान जी के प्राचीन धाम की अपनी ही अलग विशेष छटा दिख रही थी। हनुमान मंदिरों में पूरे दिन अखंड रामायण, सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा एवं प्रभु श्री राम स्तुति वंदनाओं का क्रम चलता रहा। मनसा देवी काली देवी मंदिर पर महंत बिहारी लाल द्वारा पूरी सब्जी शरबत वितरण कराया गया। नैमिषारण्य तीर्थ में कई जगहों पर भक्तों द्वारा पूरी सब्जी व शरबत वितरण का कार्यक्रम देर शाम तक चलता रहा। मास्टर बाग संवाददाता के अनुसार कस्बा मास्टर बाग में श्री मारुति नंदन का भंडारा पंजाब नेशनल बैंक शाखा जड़ौरा मास्टर बाग द्वारा धूमधाम से उत्साह के साथ किया गया। बैंक के शाखा प्रबंधक अमित कुमार ने बताया कि विवेक सिंह सहायक शाखा प्रबंधक, चंद्रभूषण तिवारी लिपिक, विनय कुमार पाल लिपिक, अनिल कुमार, अंकित कुमार के सहयोग से भंडारा संपन्न हुआ। रामपुर मथुरा संवाददाता के अनुसार विपुल किसान सेवा केंद्र व विश्व हिंदू परिषद द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह व आरएसएस के जिला संघ कार्यवाहक देवेंद्र सिंह, विपुल किसान सेवा केंद्र के मैनेजर अरविंद अवस्थी द्वारा पूजन पाठ करके आरम्भ किया गया। अमरदीप अवस्थी, धीरेन्द्र मिश्रा, मोहित द्विवेदी, संदीप कुमार, अमित दीक्षित, दुजेश वर्मा, करण मिश्रा, लकी गुप्ता सहित तमाम भक्तों ने भंडारे का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। रेवसा संवाददाता के अनुसार रेवसा क्षेत्र के सालपुर चैनपुरवा में स्थित सिद्ध श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का अखंड पाठ का आयोजन किया गया। रेवसा कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने भंडारा, छोला चावल का प्रसाद वितरण किया गया। बिस्वा रोड पर स्थित जानकी मैरिज लॉन पर भी भंडारा किया गया। रेवसा के संकट मोचन हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। लोगों ने प्रसाद चढ़ाकर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। आयोजन में विशेष रूप से डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, रविकांत मिश्रा, नितिन वाजपेयी, संदीप अवस्थी, विवेक श्रीवास्तव, रामू, सुभाष पांडे, संदीप निषाद, शिवा मिश्रा, सौरभ मिश्रा, हंस श्रीवास्तव आदि का सहयोग रहा। मिश्रिक संवाददाता के अनुसार मिश्रिक क्षेत्र के महर्षि दधीश तीर्थ में स्थित सिद्धि श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में स्वर्णकार महासभा मिश्रिक द्वारा सुंदर कांड का अखंड पाठ का आयोजन किया गया।
अंत में पूरी सब्जी का प्रसाद का वितरण किया गया। लोगों ने हजारों की संख्या में प्रसाद ग्रहण किया। शानू वर्मा, दिलीप वर्मा, संजीव वर्मा, महीप सक्सेना आदि उपस्थित रहे। मोहम्मद रन्नूपुर में राहुल शर्मा पुरोहित द्वारा पूरी सब्जी बूंदी का वितरण किया गया। पीपल चौराहा, नहर चौराहा आदि विभिन्न जगहों पर स्थित हनुमान मंदिरों में भंडारे का आयोजन किया गया। मिश्री के संकट मोचन हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ रही। लोगों ने प्रसाद चढ़ाकर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। ज्येष्ठ माह के द्वितीय बड़े मंगल के मौके पर क्षेत्र भर में धार्मिक आयोजन किए गए। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।